नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकत क्रिकेट में। आईपीएल 2022 का मैच नंबर 19 आज खेला जा रहा है मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, यानी कि दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी नई प्लेइंग 11 घोषित की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार किस टीम की प्लेइंग 11 मजबूत है और साथ ही कौन सी टीम आज के मुकाबले को जीत रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, यानी कि प्रेडिक्शन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि हेड टू हेड में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। तो ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आज के मुकाबले में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर दिल्ली कैपिटल, हमें अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स अपने 4 में से 3 मुकाबले जीत चुकी है, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल की टीम अब तक अपने 3 में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यहाँ पर मौजूदा लय देखी जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बेहतर है, लेकिन दिल्ली कैपिटल के पास भी कई खतरनाक खिलाड़ी जो इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इन दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में। तो दोस्तों, अब तक दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी रहा है। जहाँ तक बात की जाए इस मुकाबलों की दोनों टीमों के बीच, तो अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल की टीम सिर्फ 12 ही मुकाबले जीत पाई है। ऐसे में यहाँ पर दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अब तक किन खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया और आज के मुकाबले में एक बार फिर कौन कौन से खिलाड़ियों के ऊपर दोनों टीमों की निगाहें रहेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अब बात करें तो इस टीम के लिए गेंदबाजी काफ़ी शानदार हो रही है। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी इस बार टीम की तरफ से उमेश यादव कर रहे हैं, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा 9 विकेट इस आईपीएल में चटका चुके हैं। तो वहीं पर इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, पेट कमिंस और आंद्रे रसल का परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रहा है, जिसके चलते इस टीम को लगातार जीत मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, बल्लेबाजी में अभी भी इस टीम के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, सैम बिलिंग्स, नीतीश राणा बड़ी पारियाँ नहीं खेल पाए हैं, जिसके चलते टीम को शुरुआती झटके लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस टीम के लिए मुकाबले पलट रहे हैं आंद्रे रसल, सुनील नारायण और पेट कमिंस। वहीं पर वेंकटेश अय्यर ने भी पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेली थी, तो ऐसे में एक बार फिर इन खिलाड़ियों के ऊपर निगाहें रहने वाली हैं। जहां तक की बात की जाए, एक मुकाबले में आंद्रे रसल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई थी, तो वहीं पर एक मुकाबले में पेट कमिंस ने जीत दिलाई है। तो अब बारी है ऊपर के बल्लेबाजों के से शानदार परफॉर्मेंस की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की टीम की। तो इनकी भी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी पिछले मुकाबले की हम बात करें तो, खास करके एंड्रिक नॉर्के, जो कि पहला मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन वहां पर भी ये शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और मुस्ताफिजुर रहमान भी कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वहीं पर ललित यादव इस टीम के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। बल्लेबाजों की हम बात करें तो बल्लेबाजी में इस टीम की तरफ से एक बार फिर पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, रोमन पावेल के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि अब तक इन खिलाड़ियों की बात करें तो पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत ही अच्छी फॉर्म में लगे हैं, बाकी खिलाड़ियों की फॉर्म टीम के साथ नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर टीम को बड़े नुकसान उठाना पड़ रहा है और लगातार मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले के लिए अब दोनों टीमों की हम बात करें तो केकेआर की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरेंगे एक बार फिर वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे। इन दोनों से टीम को काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो नंबर 3 पर कप्तान श्रेयस अय्यर उतरेंगे, जो कि अब तक उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं पर नंबर 4 पर सैम बिलिंग्स हमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 5 पर नीतीश राणा उतरेंगे। इसके बाद नंबर 6 पर विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल उतरने वाले हैं, तो वहीं पर नंबर 7 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे पेट कमिंस, जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर नंबर 8 पर सुनील नारायण उतरेंगे, तो नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर राशिक सलाम, तो नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती हमें खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि देखा जाए तो काफ़ी शानदार ऑलराउंडर इस टीम के पास हैं, जो इस टीम के लिए मुकाबलों का पासा पलट सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ हम बात करते हैं अब दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की। तो एक बार फिर डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी शॉ के बल्ले के साथ साथ डेविड वार्नर का बल्ला भी जमकर बोलेगा।
वहीं पर इसके बाद नंबर तीन की हम बात करें तो यहाँ पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। ऋषभ पंत की फॉर्म उनके साथ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनकी स्ट्राइक रेट इस मुकाबले में और भी बेहतर होगी। तो वहीं पर नंबर चार की हम बात करें तो यहाँ पर रोमन पावेल उतरेंगे, जिन्होंने अब तक इस आईपीएल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो वहीं पर नंबर पाँच पर हमें सरफराज खान खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर छः पर ललित यादव उतरेंगे, जो कि अच्छी फॉर्म में लगे हैं। तो वहीं पर नंबर सात पर अक्षर पटेल उतरने वाले हैं। तो इसके बाद नंबर आठ पर शार्दुल ठाकुर उतरेंगे, नंबर नौ पर कुलदीप यादव, तो नंबर दस पर मुस्ताफिजुर रहमान, तो वहीं पर नंबर ग्यारह पर एंड्रिक नॉर्जे उतरने वाले हैं, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस एक बार फिर टीम के लिए करके दिखा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मुकाबले की प्रेडिक्शन की कि आखिरकार कौन सी टीम का पलड़ा इस मुकाबले में भारी रहेगा। तो दोस्तों विन प्रोबेबिलिटी एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इस मुकाबले में चांस है कि 55% कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को जीतेगी, जबकि 45% चांस है कि दिल्ली कैपिटल जीतेगी। आप किस टीम को सपोर्ट करें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।